इत्यादि दुकानों पर नेम प्लेट के मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को लेकर आज अहम सुनवाई होगी। दरअसल नाम लिखने के फैसले को एक एनजीओ की तरफ से चुनौती दी गई है। याचिका में फैसला वापस लेने की मांग की गई है। तो देखिए, एनजीओ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। दुकानों पर नेम प्लेट के मामले में आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ये याचिका उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि जो भी दुकानें हैं उन दुकानों के बाहर दुकान मालिक का नाम लिखना आवश्यक होगा। और इसी को लेकर अब उत्तर प्रदेश में राजनीति भी गरमाई है। तो वहीं अब एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई को लेकर एक याचिका लगाई, जिस पर आज सुनवाई होने जा रही है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर अहम सुनवाई होगी। नाम लिखने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। अब क्या तथ्य वहां रखे जाने हैं और इस फैसले की आवश्यकता क्यों पड़ी है, इसको भी लेकर चर्चा कोर्ट में की जाएगी। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह का नाम लिखने का जो फैसला दिया उसको एक एनजीओ ने चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है, किस तरह से इस फैसले को समझ सकते हैं या इस पूरे मामले को समझ सकते हैं? शरद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे फिर से, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने जा रही है। दरअसल खासकर उत्तर प्रदेश में कांवड़ का ये वक्त चल रहा है और इस समय जो कांवड़ क्षेत्र में जितनी भी दुकानें हैं, खास करके खानपान की दुकानें, उन सभी दुकानों को अपने दुकान के बाहर ये बोर्ड लगाना पड़ेगा, जिसमें ये लिखना पड़ेगा कि ये दुकान कौन चला रहा है, दुकान में काम करने वाले कौन हैं, दुकान किसके नाम से है। ये नाम को लेकर अब उत्तर प्रदेश में सियासत छिड़ गई है। तमाम विपक्षी दलों ने इसका विरोध भी किया और अब इस पूरे मामले को लेकर एनजीओ ने एक याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। तो देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहेगा इस पूरे मामले पर, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये सियासत और गर्माती नजर आएगी, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। तो देखिए, नाम लिखने पर ये बड़ी सियासत अब छिड़ गई है। चलिए, न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, सुप्रीम कोर्ट में आज नाम लिखने के फैसले को चुनौती दी गई है, जिस पर आज सुनवाई होने जा रही है, किस तरह से इस पूरे मामले को समझ सकते हैं? देखिए, विषय बड़ा हो गया है और विषय इसलिए बड़ा हो गया है कि इसमें राजनीति शुरू हो गई है। बात शुरू हुई थी कुछ इन तथाकथित घटनाओं को लेकर, जिनमें ऐसे आरोप लगे थे कि कुछ लोग फलों को तथाकथित रूप से उनको अशुद्ध करके, उनके साथ ऐसा व्यवहार करके कि जिसमें कहीं कुछ नकारात्मकता दिखती है, और वो इस तरह से इस प्रक्रिया में फल बेच रहे हैं। यहाँ से बात शुरू होती है और इसीलिए इस तरह की घटना सामने आती है कि भाई कौन लोग हैं, उनकी पहचान की जाए। इसलिए हर फल वाला जो है वो अपना नाम लिखेगा और नेम प्लेट अपने ठेले के सामने लगा के रखेगा। लेकिन बात बड़ी हो गई क्योंकि सियासत शुरू हो गई, संविधान बीच में आ गया, तमाम चीजें, और खासतौर से इंडिया गठबंधन को एक मौका मिल गया फिर हमला करने का। और चूंकि मसला उस उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, जिस उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा है, तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं, फिर दूसरी बात ये हुई कि एनडीए में भी इसको लेकर अलग अलग सुर सामने आए और एनडीए के इक्का दुक्का घटक दलों ने भी इस पर आपत्ति उठाई और बहुत उसका तीखा विरोध ना करते हुए इतना कहा कि ऐसा करना उचित नहीं है कि नाम पट्टिका ठेले वाले अपने ठेले पर लगा के रखे। और इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया है। तो अब ये एक बड़ा राजनीतिक मसला ही नहीं, अब एक बड़ा मसले में ये बदल गया है और काफी निगाहें इस समय टिकी हैं सुप्रीम कोर्ट पर। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर उसका क्या नजरिया आता है, क्या कोई पहल उसकी तरफ से आज ही देखने को मिलेगी या आज अगली सुनवाई की तारीख मिलती है। काफी महत्वपूर्ण हो गया है ये, क्योंकि बड़े राजनीतिक मसले में ये बदल गया। दिनेश जी, चलिए शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो देखिए, आज जब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई